हेलो दोस्तों, मेरा नाम है त्रिमन कौर और आज हम स्टोन पेपर सीजर गेम बनाएंगे, वो भी ऐप लैब में। और आपको तो पता है कि स्टोन पेपर सीजर कैसे खेलते हैं, तो लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि हमारे पास यहाँ पर सीजर, पेपर और स्टोन होता है। सीजर पेपर को काट देती है, पेपर स्टोन को ऐसे रैप कर सकता है और जो स्टोन है वो सीजर को ऐसे तोड़ सकती है। तो ऐसे हम खेलते हैं स्टोन पेपर सीजर गेम। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं। अभी नेक्स्ट वीक से मेरे एग्जाम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वीडियो बनाकर सेंड करती रहूंगी। और अभी यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक है यू और एक है बॉट, मतलब कि यू से मतलब कि हम टर्न देंगे और बॉट से कंप्यूटर देगा। तो यहाँ पर है रॉक, पेपर और सीजर। और यहाँ पर अगर मैं सिलेक्ट कर देती हूँ रॉक, तो यहाँ पर इसने दे दिया, उसको एक वन स्कोर मिल गया क्योंकि उसने पेपर दिया और मैंने रॉक दिया। तो फिर जो पेपर है वो जो रॉक है उसको कवर कर सकता है, इसी के लिए उसको एक स्कोर मिल जाएगा। अभी मैं अगर यहाँ से पेपर सेलेक्ट करती हूँ तो मुझे वन स्कोर मिल जाएगा, क्योंकि वही चीज़ होगी कि पेपर उसको रैप कर लेगा। तो ऐसे 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 हमारा स्कोर भी यहाँ पर हमको मिलता जाएगा और ऊपर इस लेवल में वो भी बताता जाएगा कि क्या हो रहा है, जैसे पेपर कवर स्ट्रोक ऐसे वो शोक रहता जाएगा। और ये देखिए, उसको भी ऐसे टू मिल गए, पेपर कवर स्ट्रोक। तो ऐसे हम स्टोन पेपर सीजर गेम को बनाएंगे। तो चलिए अभी हम इसका कोड भी देख लेते हैं कि हम इस कोड को कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका डिज़ाइन समझा देती हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड इमेज लगाई है और यहाँ पर मैंने एक दो इमेज लगाए हैं और उनको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बॉर्डर रेडियस और बॉर्डर विड्थ दे दिया और ऊपर मैंने इमेज में वहाँ पर एक इमेज डाल दिया और ऊपर मैंने एक और एक लग से लेबल लगाया और ऐसे ही मैंने बॉट के साथ भी किया हुआ है। और उसके स्कोर वाले लेबल मैंने इसको आईडी दी हुई है वाई स्कोर और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा बॉर्डर कलर रेडियस और बॉर्डर विड्थ भी दे दिया और इसको मैंने यहाँ पर टेक्स्ट में जीरो भी डाल दिया जिससे वहाँ पे वो बाद में स्कोर चेंज कर देगा। और ऊपर मैंने एक लेबल लगाया रूल का जिसमें वो ही बताएगा कि क्या हो रहा है। और यहाँ पर मैंने थ्री बटन लगाए हैं, एक रॉक का, पेपर का और एक सीजर का, कि यहाँ पर हमने मैंने ना इसको एक बैकग्राउंड कलर देकर और इसको रेडियस दे दिया है। और ऊपर मैंने यहाँ पर इसके ऊपर एक इमेज का यूआरएल दे दिया है, इमेज रॉ, और यहाँ पर मैंने इसको आईडी भी दे दिया से मैंने पेपर और सीजर के साथ किया हुआ है। तो चलिए अभी हम इसकी कोडिंग भी देख लेते हैं। तो अभी मैं कोड में जाती हूँ। तो यहाँ पर अभी मैं आपको कोड इसके लिए करनी बताऊँगी, क्योंकि अभी तो आपको पता है कि कोड कैसे करना है, इसमें अभी मैं आज आपको सिर्फ समझाऊंगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बॉट डिक्लेयर करा है। अभी आप ये सोच रहे होंगे ये बूट क्या है, ये एक कंप्यूटर है जो अपनी मर्जी से इस गेम को खेलेगा ऑटोमेटिकली, हमने उसको कुछ नहीं बताना है। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर ऑन इवेंट, जब हम बटन ड्रॉ के ऊपर क्लिक करते हैं तो फिर उसने सेट प्रॉपर्टी जो हमारी यू वाली इमेज है उसके ऊपर उसने इमेज लगा देनी है आर्ट जिफ की, मतलब कि रॉक के बाद उसने उसकी जिफ शो करानी है। और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल स्कोर वन डिक्लेयर कर देती हूँ और वेरिएबल स्कोर टू साथ में, और उसको मैं साइन भी करा देती हूँ कि जो हमारा वेरिएबल स्कोर वन है उसने नंबर लेना गेट नंबर फ्रॉम वाई स्कोर, मतलब कि जहाँ पर हमारा स्कोर वो शो कराएगा वहाँ से उसने नंबर ले लेना है। और जो स्कोर टू है उसने लेना है नंबर बी स्कोर से, मतलब कि जो हमारा कंप्यूटर का स्कोर होगा। तो यहाँ पर अभी मैंने जो हमारा वेरिएबल बॉट था
उसमें उसने रैंडम नंबर लेना है 1 से लेकर 3 तक। अब ये 1, 2, 3 क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पर 3 ऑप्शन आना, एक है रॉक, दूसरा है पेपर और तीसरा है सीजर, इसी के लिए यहाँ पर हमने दिए 1 से लेकर 3 में से उसने कोई रैंडम नंबर ले लेना। बाद में हमने यहाँ पर एक लगाया है बोथ का एक फंक्शन, यहाँ पर हमने उसको कॉल करा है। अभी हमारा बोथ फंक्शन है कौन सा, तो ये हमारा बोथ का फंक्शन। यहाँ पर हमने क्या किया है, अगर हमारा जो बोथ में वैल्यू नंबर में आ जाती है 1, वहाँ पर रॉक सेलेक्ट करता है, तो फिर उसने सेट प्रॉपर्टी बोथ में उसने इमेज लगा देनी है रॉक की जिफ वाली। और अगर हमारे यहाँ पर बोट में नंबर वैल्यू 2 आ जाती है, तो फिर उसने बोट में इमेज डाल देनी है पेपर की जिफ वाली। और अगर वहाँ पर बोट की 3rd वाली नंबर कोई आता है, तो फिर उसने डाल देना है बोट में इमेज सीजर वाली जिफ की। तो अभी जो हमारा बोट का फंक्शन है उसके नीचे क्या है, यहाँ पर मैंने लगाया 3 इफ स्टेटमेंट्स और उसमें मैंने लगाया एक एक टाइम आउट। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब हम बटन रॉक के ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर उसने 2 सेकंड बाद उसने जो हमारा 2 सेकंड का मीन्स है कि 2000 से वो 2 सेकंड बाद जो हमारा लेबल रूल है उसमें उसने सेट टेक्स्ट लगा देना है रॉक इक्वल्स रॉक। और ऐसे ही अगर हमारा बोथ में वैल्यू 2 होती है, तो फिर उसने वहाँ पर रूल वेरिएबल में उसने शो करा देना है पेपर कवर स्ट्रोक, और साथ में जो हमारा बी स्कोर है उसमें जो भी वैल्यू ऐड होगी उसमें उसने स्कोर 2 से लेकर उसने उसमें 1 स्कोर ऐड कर देनी है। और अगर हमारा बोथ में वैल्यू 2, 3 होती है, तो फिर उसने सेट टैक्स रॉक क्रशिस सीजर उसने शो करा देना लेबल में, और साथ में उसने जो हमारा वाई स्कोर है मींस हमारा स्कोर उसमें उसने स्कोर 1 से लेकर उसमें उसने 1 स्कोर ऐड कर देना है, और यहाँ पर फिर वो स्कोर को शो करा देगा। तो जैसे अभी तक हमने बटन रॉक के अकॉर्डिंग थी, अभी हम अपने बटन पेपर और सीजर के भी करेंगे, तो इसमें ना थोड़ा सा चेंज होगा और आपको ना इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से करना होगा। अगर आपकी एक भी चीज़ गलत होगी ना, तो आपका फिर पूरा ऐप ही मतलब कि काम नहीं करेगा, तो फिर आपको ढूंढने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो ऐसे ही बटन, अगर हम बटन पेपर के ऊपर क्लिक करते हैं, तो फिर उसने हमारी जो इमेज उसके ऊपर उसने पेपर का जिफ इमेज शो कराना है। और यहाँ पर अगर हमारी बोथ में वैल्यू 1 होती है, तो फिर उसने वहाँ पर लेबल में शो करा देना है पेपर कवर रॉक, और उसने वाई स्कोर को 1 स्कोर ऐड कर देनी है। और अगर ऐसे ही बोथ जो हमारा वेरिएबल बोथ है, अगर उसमें वैल्यू होती है 2, तो फिर उसने वहाँ पर लेबल में शो करा देना है पेपर सीक्वेंस पेपर। तो अगर हमारा बोथ में वैल्यू होती है 3, तो फिर उसने लेबल में शो करा देना सीजर कट्स पेपर, और जो हमारा बी स्कोर है उसको उसने 1 स्कोर ऐड कर देना है। और ऐसे ही अभी हम अपने बटन सीजर की कोडिंग करते हैं। तो यहाँ पर अगर हमारा बटन सीजर पर अगर हम क्लिक करते हैं, तो फिर उसने शो करा देना है ये हमारी इमेज में इमेज, वहाँ पर जो हमारी सीजर की जिफ इमेज उसने शो करा देनी है। और वहाँ पर उसने इफ में अगर हमारा बोथ में वैल्यू 1 होती है, तो फिर उसने लेबल में शो करा देना है रॉक क्रशिस सीजर, और उसने 20 स्कोर में 1 स्कोर ऐड कर देना है। और अगर हमारा बोथ में वैल्यू होती है 2, तो फिर उसने जो हमारा लेबल है उसमें उसने शो कराना है सीजर कट्स पेपर, और उसने वाई स्कोर को 1 स्कोर दे देना है। और अगर हमारा बोथ में वेरिएबल में अगर वैल्यू होती है 3, तो फिर उसने लेबल में शो करा देना सीजर इक्वल सीजर। मुझे पता है कि आपको कोडिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती होगी। तो ये है मेरी बटन रॉक की कोडिंग, और ये है मेरी बटन पेपर की कोडिंग, और ये है मेरी बटन सीजर की कोडिंग। और अगर आपको मेरी ये कोडिंग चेक करनी है, तो फिर आप ना मेरी वीडियो को पॉज कर कर फिर आप ना इस कोडिंग को चेक कर लेना कि कहाँ पर मैंने क्या डाला है, इसको मैंने
चाहिए तो फिर मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर और अपने ऐप में इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।